दोस्तों, हमारी ये दुनिया आपको जैसी दिखाई दे रही है वो असल में वैसी है नहीं। आप फिलहाल जो दुनिया देख रहे हैं वो आपके कद के हिसाब से ठीक है, लेकिन कद बदलने से ही ये दुनिया आपको एक अलग रूप में दिख सकती है। इसलिए आज हम द नॉलेज में बात करेंगे एक हाइपोथेटिकल सवाल के बारे में कि आपका कद अगर एक परमाणु से भी छोटा हो जाए तो क्या होगा, इस अवस्था में आप क्या महसूस करेंगे, आपको दुनिया कैसी दिखाई देगी। तो दोस्तों, पहले तो यहाँ एक बात क्लियर कर दूं कि विज्ञान के अनुसार आपका कद एक परमाणु जितना या उससे छोटा हो जाए ये संभव ही नहीं, कम से कम फिलहाल तो नहीं। और अगर कल कोई ऐसी कोशिश करता भी है तो उसका मरना तय है। पर कुछ मिनट के लिए चलो मान लेते हैं कि बिना कोई अनहोनी हुए सही सलामत अगर आप एक परमाणु से भी छोटे हो जाते हैं तो क्या होगा। तो जवाब है, सबसे पहले तो आप क्वांटम दुनिया में चले जाएंगे। दोस्तों, क्वांटम जगत वो है जिसके बिना इस ब्रह्मांड की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए, उसमें किसी भी वस्तु को बनाए रखने के लिए, किसी भी घटना को घटने के लिए अति सूक्ष्म स्तर पर बहुत ही रहस्यमय प्रक्रिया होती रहती है, और क्वांटम फिजिक्स इसी प्रक्रिया को समझाने वाला विज्ञान है। और क्वांटम फिजिक्स हमें जिस स्तर को समझाता है उस स्तर को क्वांटम वर्ल्ड कहा जाता है। आप जो अभी ये मोबाइल देख रहे हो उसे चलाने के लिए, इस वीडियो का दृश्य आपकी आंखों तक पहुंचाने के लिए, और ये सब समझने के लिए खुद आपके भीतर भी अपार सूक्ष्म स्तर पर अभी भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हो रही होगी। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में सभी चीजें परमाणुओं से मिलकर बनी है। आप, मैं, हमारा दिमाग, उसमें मौजूद केमिकल, ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं, ये सब सबका सब अणुओं का ही एकीकरण है। और जब इन चीजों के टुकड़े होते हैं तो असल में उनके परमाणु अलग होते हैं। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति हथौड़े से पत्थर को तोड़ रहा है तो असल में पत्थर के परमाणुओं पर हथौड़े के परमाणुओं का दबाव पड़ता है, और इस वजह से पत्थर के परमाणु बिखर जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और जिसे हम पत्थर का टूटना कहते हैं। पर वास्तव में उसके अणु तो बरकरार ही रहते हैं, अणु नहीं टूटते हैं। और कोई भी ठोस दिखने वाली वस्तु हकीकत में अंदर से 99.999999% खाली होती है। किसी भी सपाट वस्तु को अगर बारीकी से देखा जाए तो उसमें झुर्रियां और गड्ढे नजर आते हैं, वो भीतर से खाली होती है। और इसी खाली स्पेस को क्वांटम थियरी एक्सप्लेन करती है। क्वांटम फिजिक्स की नजर से देखें तो यहां पर कोई वस्तु है ही नहीं, यहां सिर्फ एटम्स है जो एकजुट होकर कोई बड़ी वस्तु का आकार बनाते हैं, और क्वांटम फिजिक्स इससे भी छोटे स्तर पर घटित होता है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हम हमारे सवाल के जवाब को जानते हैं कि आपका कद एक परमाणु से भी छोटा हो जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों, इस हालात में आप जिस परिस्थिति में होगे उसे सब एटॉमिक कहते हैं। सब एटॉमिक उन कणों को कहते हैं जिसे मिलकर न्यूक्लियस और एटम्स बने हैं। ये सब एटॉमिक कण भी दो टाइप के होते हैं। एक है कंपोजिट पार्टिकल, या वो कण जो किसी अन्य कणों से मिलकर बने हैं, और दूसरे होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल, यानी मूल या ओरिजिनल कण। इस अवस्था में आप एक ऐसी स्थिति को पा लेंगे कि जिसके बाद आप और छोटे नहीं हो सकते। पहले तो इस परिस्थिति में आप कुछ भी देख ही नहीं सकेंगे, क्योंकि हमें दृश्य तब दिखता है जब प्रकाश के फोटोन कण हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट होकर गिरते हैं। पर यहाँ तो आप खुद फोटोन के कण से भी छोटे हो, तो दृश्य खड़ा होगा कैसे। लेकिन हमें तो उस दुनिया को देखना है। तो चलो मान लेते हैं कि आपको दिव्य चक्षु प्राप्त होते हैं और आप इस अवस्था में भी देख सकते हो, तो इस अवस्था में आप ब्रह्मांड के मूल कणों को देख सकोगे, यानी आप उन कणों को देख सकोगे जो अन्य कणों से मिलकर नहीं बने हैं, जो स्वतंत्र है, ओरिजिनल है और बेहद छोटे है, जिसे खुली आंखों से या कोई आम इंस्ट्रूमेंट से नहीं देखा जा सकता। वो चीज आप देख रहे होगे, आप क्वांटम जगत को देख रहे होगे, आप उस दुनिया को देख रहे होगे जो बेहद ही अजीबोगरीब और हैरतअंगेज होगी। ये दुनिया फिजिक्स के वो रूल फॉलो नहीं करती जो हमारे यहाँ है। इस दुनिया में कुछ विचित्र ही नियम लागू होते हैं जिन्हें आज तक हम समझ नहीं पाए। वहां के सब एटॉमिक पार्टिकल्स कभी मैटर तो कभी वेव की तरह बिहेव करते हैं। इन शॉर्ट, ये दुनिया वैसे काम नहीं करती जैसे हमारी दुनिया करती है। इस परिस्थिति में टाइम का कोई अस्तित्व नहीं होगा, और यहाँ पर एनर्जी भी बहुत छोटे स्केल पर होगी। यहाँ पर पार्टिकल्स भी रैंडम तरीके से गति कर रहे होंगे, यहाँ तक कि आप खुद भी, आप अपने आप को ही कंट्रोल नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आपको ये महसूस होगा कि इस दुनिया को
किसी शक्ति ने बहुत ही गहराई से प्रोग्रामिंग किया है। दोस्तों, हमारी और आपकी इस दुनिया को सामान्य दिखाने के लिए बेहद सूक्ष्म लेवल पर सेकंड के खरबवें हिस्से में बहुत सारी प्रक्रियाएं इस क्वांटम दुनिया में लगातार होती रहती है। मैं मानता हूं कि इस दुनिया को समझना आसान नहीं है, लेकिन इसे समझा और समझाया जा सकता है। इसलिए आगे भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा क्वांटम वर्ड से रिलेटेड कुछ वीडियोस। तो बने रहे द नॉलेज के साथ। अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अभी तक बेल आइकन को नहीं बजाया तो इसे जरूर बजाएं। आगे मिलूंगा हेल्दी नॉलेज के साथ। तब तक खुश रहे। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।